सो हाय गाइज, आई एम बैक विथ अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। और आज आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं इतना धीरे क्यों बोल रहा हूँ, मतलब एकदम शांति से कामलेस क्यों बोल रहा हूँ। बिकॉज यार मैं बहुत दिन से जब वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो YouTube मुझे हर एक वीडियो में येलो डॉलर दे रहा है। इसका मतलब ये है मैंने अभी तक जितनी भी वीडियो अपलोड की उससे मुझे कुछ रिवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। तो यार सोच सकते हो कितनी बेकार बात। ऑल्सो मुझे ये तक नहीं पता कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, बट यार ऐसी थोड़ी शांत हो जाएंगे हम लोग। तुम्हें क्या लगा कि मैं ऐसे धीरे धीरे बोलूंगा? ना यार, YouTube येलो डॉलर दे दे या कुछ भी दे दे, हम नहीं रुकेंगे। हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम अपनी पर्सनालिटी को कभी नहीं खोएंगे। तो हे व्हाट्सअप गाइस, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ माइनक्राफ्ट। एंड आज वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि क्यों आप लोग के वर्ल्ड हर बार डिसअपियर हो जाते हैं, या फिर आपका रिसोर्सेस पैक हर बार डिसअपियर क्यों हो जाता है। यार मेरे साथ भी ये वाली प्रॉब्लम बहुत बार होती थी पहले, और यार अब मेरे साथ वो प्रॉब्लम होती नहीं है तो मैं धीरे से भूल चुका था। बट यार एक भाई ने मुझे कमेंट किए कि यार मेरा भाई हर एक चीज डिसअपियर हो जाता है, मतलब हर बार मैं गेम ओपन करता हूँ और हर बार मुझे रिसोर्सेस पैक लगाना पड़ता है, हर बार मुझे बिहेवियर पैक लगाना पड़ता है, इवन यार मेरे वर्ल्ड तक चल जाते हैं, स्किन विस्किन सब चल जाती है। और उनमें से कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि यार उनका साइन आउट तक हो जाता है माइनक्राफ्ट में। तो यार मैं आज आप लोग को यही वाला फिक्स बताने वाला हूँ, और होप्स आप लोग का ये ट्राई करें। और भाई आप लोग का अगर ट्राई कर गया ना तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही इस वीडियो को भी लाइक कर दो। इस वाले वीडियो का लाइक टारगेट है ओनली 1.5K लाइक का, आई होप्स आप लोग करा दोगे। तो विदाउट वेस्टिंग एन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। यार बेसिकली आप लोग देखो, माइनक्राफ्ट का एक सर्वर है, पूरा का पूरा सर्वर है। अब मैं आप लोग का मल्टीप्लेयर सर्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं आपका बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड सर्वर की, जिसमें माइनक्राफ्ट पूरा डाटा रखता है। अब मान लो आपने माइनक्राफ्ट में साइन इन नहीं किए, मतलब यार माइनक्राफ्ट को ये ही नहीं पता कि ये बंदा कौन है, तो यार हर बार उसको ये लगेगा कि ये कोई न्यू है, ये कोई न्यू है, ये कोई न्यू है। तो यार आप लोग उसे टेम्परेरीली तो खेल पाएंगे, लेकिन अगर आप लोग ने साइन इन नहीं किया तो यार आप लोग उसे टेम्परेरी ही खेल पाएंगे, आप उसे परमानेंट नहीं खेल पाएंगे। जैसे कि मेरे साथ पहले होता था, मेरे फोन में साइन इन होता ही नहीं था, तो यार मेरे को हर बार गेम्स में जाके फोल्डर्स को हर बार एक्सपोर्ट करना पड़ता था, जो कि यार बहुत ही ज्यादा सरदर्द वाला काम है। लेकिन यार मैंने जैसे ही उसे साइन इन कर लिया है तो यार माइनक्राफ्ट को पता चल चुका है स्पंकी इंसान नाम का एक बंदा है जिसका खुद का आईडी है। तो यार वो मेरी चीज को हमेशा सेफ रखता है। मैं जितनी बार माइनक्राफ्ट ऑन करूं, इवन यार मैं अगर ऑफलाइन भी ऑन करूंगा ना माइनक्राफ्ट, तो मेरी पूरी की पूरी चीज वैसी की वैसी ही रहेगी। बस मेन चीज ये है कि यार वो आपके सर्वर में अपलोड हो जाती है, आप लोग को पता नहीं चलता, लेकिन माइनक्राफ्ट उसे अपने सर्वर में रख लेता है। और भले ही आप उसे ऑफलाइन भी क्यों ना यूज करें, आप उसे ऑफलाइन भी अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। दैट्स व्हाई यार आप लोग का स्टोरेज वैसा का वैसे ही रहेगा। तो यार सबसे मेन चीज आती है, तो आप लोग को सबसे तो यार साइन इन करना है। साइन इन करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक देके रखा है, हाउ टू साइन इन माइनक्राफ्ट 1.17 और 1.18, यार दोनों के लिए सेम प्रोसीजर है। तो यार आप लोग जाके वाला वीडियो देख लो, मैंने ही बनाई है। सो यार नेक्स्ट वाली चीज हमें माइनक्राफ्ट में ही ओपन करना पड़ेगा। तो देखो जैसे आप कोई माइनक्राफ्ट में नया डाउनलोड करते हो, तो यार देखो आपने डाउनलोड किया, मैंने माइनक्राफ्ट जस्ट ओपन किया है और अभी मैंने एक यहाँ पर पैक को भी इंपोर्ट किया है जो कि एडिन शेडर। तो यहाँ पर अभी आपको लोडिंग रिसोर्सेस ऐसा दिखाएगा। और यार आप लोग की सबसे बड़ी भूल ये रहती है कि आप लोग उसे एक्सटर्नल करते ही नहीं है। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रोफाइल में जाना है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को यहाँ पर प्रोफाइल में जाना है, यहाँ पर आप लोग को एक्सटर्नल में रखना है। लेकिन बहुत बंदे क्या करते हैं, एप्लीकेशन में रखते हैं। अभी मैंने आप लोग को एप्लीकेशन में रख के दिखाया, और अभी मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि मैंने गेम को भाई एक घंटे तक खेल लिया, लेकिन जब मैंने फिर दूसरी बार माइनक्राफ्ट ओपन किया ना भाई, दिमाग खराब हो गया मेरा। मतलब वो चीज़ थी ही नहीं वहाँ पर, क्योंकि यार वो तो एप्लीकेशन में थी ना। देखो जब मैंने दूसरी बार माइनक्राफ्ट को स्टार्ट किया तो मेरे को फिर से वही वाला पेज दिखा यार। और जब मैं यहाँ पर सेटिंग्स में गया और मैंने यहाँ पर पूरे ग्लोबल रिसोर्सेज देखे, भाई यहाँ पर वर्ल्ड था ही नहीं जो मैंने वर्ल्ड प्ले किया, और यार कोई चीज़ वो नहीं थी जो कि मैंने थी। तो भाई बहुत दिमाग खराब हो गया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर जब सेटिंग में गया तो यहाँ पर भाई एक्सटर्नल तो दिखा रहा था, लेकिन यार कोई चीज़ थी नहीं। तो यार यही गलती आप लोग भी करते हो, आई होप सो आप लोग अब ये गलती ना करो। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को यार सबसे पहले तो साइन इन करना है, और साइन इन करने के बाद आप लोग को अपने उसे एक्सटर्नल में रखना है। जी हाँ, एक्सटर्नल में रखो। और यार अब माइनक्राफ्ट ने अपना वो चेंज कर दिया है, एंड्रॉइड डेटा कॉम डॉट मोजंग, उसके अंदर फाइल्स, उसके अंदर एक और गेम्स वाला फोल्डर, और उसके अंदर सब चीज है। तो यार आप लोग ये बात का ध्यान रखेंगे ना तो आप लोग का वर्ल्ड कभी डिसअपीयर नहीं होगा। और यार अगर इस वीडियो पे आ जाते 1.5 के लाइक, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा हाउ टू फिक्स ब्लैक स्क्रीन, और यार वो वाला बहुत ही अच्छा नुस्खा है अगर आप लोग को माइनक्राफ्ट में ब्लैक स्क्रीन फिक्स करना है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड आई नो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बोरिंग था। बाय बाय।